खाना खाइए, ऑल द बेस्ट आपके लिए। थैंक यू जो आपने विश्वास किया, आए हम पे, आगे भी आपसे लॉन्ग रिलेशन रहेगा। कभी मैं आपके छत्तीसगढ़ में आया, उदयपुर में आया, तो मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं एक फोन करूंगा, चाय पीने आप मुझे घर पे बुलाओगे, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। चलो थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। मिलेंगे नई राह पे, नई मोड़ों में। और साजिद सर को भी थैंक यू जो आपने इस लाइफ बनाया, जिससे आप आगे लाइफ में कुछ बढ़ पाओ। और थैंक यू सो मच आपके लिए भी। और वीडियो को देखते रहो, टाइम बर्बाद करते रहो, मैं तो भाषणबाजी कर रहा हूँ, फ्रॉडबाजी कर रहा हूँ, मेरे चक्कर में बताना, मैं तो पागल बनाता हूँ। अभी जो ब्रांड न्यू बाइक आपको दिखाई थी, नंबर भी इसके अभी लगे नहीं है क्योंकि नई शोरूम बाइक है ये, तो इसके पूरी बाइक खोल के प्रैक्टिकल आपके सामने। अभी हो गया सर, फुल पावर। वेलकम बैक। आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है, 8:30 बजे की ट्रेनिंग, रात में 8:30 बजे। आने वाले टाइम पे आपको रात की बैच भी आपको मिला करेंगे, 10 बजे 11 बजे। जिन स्टूडेंट को नींद नहीं आती वो रात में आके ऐसे ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग का कोई समय नहीं होता, टाइम नहीं होता। अगर आप में जुनून है सीखने का, पैशन है आप में सीखने का, तो आपके संग कंधा से कंधा बिठा के चलने के लिए हम लोग खड़े हैं। टाइम आप देख लीजिए, 8:30 बजे है। इसमें भी आप देख लीजिए, डबल वेरीफाई आप कर लीजिए। BS6 जो नई गाड़ी लाए थे ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, खोलने के लिए है, उसका लाइव एग्जांपल आ जाएगी। यहाँ पर ये BS6 स्प्लेंडर थी, उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक एक्टिवा BS6 है, इसकी भी ट्रेनिंग चल रही है और स्प्लेंडर की भी ट्रेनिंग BS6 की। ये इसका फ्यूल इंजेक्टर, ये मैप सेंसर, फ्यूल पंप, रिले, बैटरी कंपार्टमेंट, यहाँ पर इसका ECM। अभी जो ब्रांड न्यू बाइक आपको दिखाई थी, नंबर भी इसके अभी लगे नहीं है क्योंकि नई शोरूम बाइक है ये, तो इसके पूरी बाइक खोल के प्रैक्टिकल आपके सामने। हो गया सर, फुल पावर। क्लच दबाना पड़ेगा। अभी अपन ने क्लच में कौन से आ रहे हैं? ये गाड़ी के भाई मेंटल करते हुए हो गया। हो गया BSS की स्कैनिंग अभी चल रही है स्प्लेंडर में। 8:30 बज रहे हैं लेकिन काम रनिंग है। नए स्टूडेंट देख सकते हैं, 12 टाइप के इंजन हम लोग करवाते हैं, फिर BS6 स्प्लेंडर, दूसरी BS6 Phase 2 स्प्लेंडर, तीसरी हमारी एक्टिवा, सब करवाते हैं प्रैक्टिकल। नंबर प्लेट भी नहीं आई है, नंबर प्लेट आगे लेकिन ये लगी नहीं है क्योंकि ब्रांड न्यू शोरूम से निकलवा के लाए थे बाइक को। पहले के इसमें वो लाइट इंडिकेटर की लाइट आ रही थी, चेक लाइट, तो अभी आपने ये रिमूव किया कोड। अभी ये इसके लिए था, जब तक हम इस गाड़ी के अंदर सॉकेट नहीं है टाइम, तो ये हमारे के दिखाएगा, ये कोड दिखाता ही जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, गाड़ी बंद करनी पड़ेगी, सॉकेट निकालना पड़ेगा, इंजेक्ट करिए। चलिए ट्रेनिंग करने देते हैं, फिर आपको इनसे बात करवाऊंगा क्योंकि कुछ टाइम बाद जाने भी वाले हैं, तो इनका आज सर्टिफिकेट आज ही दे देंगे इनको, तो बार बार वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, जिससे आपको ऐसा लगे कि सर्कस है, बस वीडियो बनते हैं। आज ही इनको हम लोग सर्टिफिकेट दे देंगे। बजने पे आगे 9 लगभग, अभी आगे बजने पे 9 बजने वाले, टाइम देख सकते हैं, सभी भूखे हैं, सर भी भूखे, हम भी भूखे, चाहते तो अभिनय सर जो वीडियो बना रहे हैं ये सर्टिफिकेट दे सकते थे, चाहते साजे सर 30 किलोमीटर से आए वापस अभी,
7 बजे आए थे साहिद सर, इसलिए कि इन लोगों का कुछ लोगों का एक दुख का ट्रेन था, तो ऐसा नहीं कि जो चीज छूट गया तो कोई बात नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, जो है भैया करके जाओ पूरा। और मैं चाहता तो मैं तो निकल जाता ट्रेनर से, फोटो दिलवाता, सर्टिफिकेट खिंचवा लेता, ये लोग संतुष्ट हो जाते, मेरा कोई काम नहीं है। यहाँ पर सिखाने वाले साहिद सर थे, स्केटिंग बीएससी सिखाए साजिद सर थे, तो लेकिन मेरा तो यही मानना है कि मैं अगर अपने चेहरे पे बुलाता हूँ, पैसा लेते टाइम मैं बात करता हूँ, पैसा जब ये जाए तो एक हंसी खुशी यहाँ से जाए। तो हमेशा पैसा लाइफ में कुछ नहीं है, बस एक व्यवहार होता है, एक रिलेशन होता है सब लोगों से जो बनता है। हालत आप देख ही रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, लेकिन जो भी है टाइम है, लेकिन सी ऑफ करने के लिए हम ही सब है। साइज सब 30-35 किलोमीटर से आए, तो दो दो मिनट जान लेते क्योंकि टाइम भी हो रहा है इनका मैच में जाने का। कहाँ से आए थे, कितना टाइम लिया, क्या क्या आपने किया, क्या क्या सीखा, और अपने भाइयों को क्या बोलना चाहते हो आपके नियर बाय? सर मैं बाबा ऑटोमोबाइल में यहाँ 2 महीने से उबारा हो गया है, पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं सीखा था, अभी यहाँ आने के बाद बहुत कुछ मैं सीखने को मिला इधर। ठीक है, थैंक यू। कहाँ से थे आप? झारखंड चाईबासा से। ठीक है, अच्छा चाईबासा। अपना वर्कशॉप खोलोगे आप डायरेक्ट जाके? जी देखेंगे सर अभी। ठीक है, मतलब कुछ टाइम आप जॉब भी कर सकते हैं, फिर आप डायरेक्ट अपना वर्कशॉप भी खोल सकते हैं। संदीप कहाँ से थे, कितना टाइम हुआ? झारखंड से। आप भी झारखंड से थे, कितना टाइम हुआ आपको आए हुए? यहाँ पे आया से 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया, 2 महीने से ज्यादा हो गया कि 2 महीने के अंदर हुआ है? ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया, ठीक है। नहीं मैं सोचा वो जादूगरी वाला कोर्स तो नहीं है तुमने, 1 महीने वाला, वो सोच रहा था। सर मैं यूपी से हूँ। यूपी से इंद्रेश जी। सर मैं यहाँ पे आया, मुझे कुछ मालूम नहीं था, यहाँ पे आने के बाद सब मालूम हुआ है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ बोल सकते हो? ऐसा नहीं, बोलने का पूरा मौका है आपके पास, अपने दिल की बातें भावनाएं को बता सकते हो आप। ठीक है, आप कहाँ से थे? मैं छत्तीसगढ़ से सर। मेरा 2-2.5 महीने से ऊपर हो गया। अच्छा, 2.5 महीने से ऊपर हो गया, ठीक है। और ये कसौरदन? मेरा सर अभी तो स्टूडेंट चल रहा है अभी तो, ये तो सिर्फ। ठीक है, मतलब आपका बैच एक था इसलिए मिल गया, लेकिन आप अभी कितना टाइम हो गया आपको? अभी तो मेरे को टाइम 2 महीने हुए। 2 महीने हो गया, लेकिन आप 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 6 महीने आप रह सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको किसी ने बोला कि कोर्स हो गया कल से नहीं आना? देखो एक चीज में आपको हमेशा याद, मैं बताता हूँ आपको, आप मैं पहली बार देखो कभी स्टूडेंट के बारे में किसी को टारगेट नहीं करता, बहुत ही स्टूडेंट है वो मेरे को करते हैं, कॉपी करते हैं मेरे को, मेरे कीवर्ड्स को कॉपी करते हैं, मेरे बोलने के स्टाइल को कॉपी करते हैं, लेकिन क्या कॉपी करेंगे वो? कोई बात नहीं करेंगे तो, इवन मेरा जो टैग लाता है, डबल लाइन लगाता हूँ मैं, जो टैग लगाता हूँ वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सबसे पहले मैं लिखता था जो लाइन है वो, बात अलग है। लेकिन आप जब आते हो ना नए, तो हमारा क्या है कि आप भैया कभी भी आ जाओ, आप कभी भी आने का मतलब क्या है कि जब आप जो जिनको 2 महीना हो गया उनसे भी न्यू लोग मिलते हैं, जो नए आए वो, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या है जो बैच बनाते हैं। बैच बनाने का मतलब है कि जो पुराने स्टूडेंट है वो 1 महीने में या 2 महीने, जो भी इनका ट्रेनिंग शेड्यूल होता है इंस्टीट्यूट का, वो अगर उस टाइम में नहीं सीखे ना, सर्टिफिकेट देकर भैया जाओ खाली करो हॉस्टल को, भैया सीखे नहीं सीखे खाली करो। आप कभी भी कोई स्टूडेंट में फोन करो, आप तो बोलो सर मैं तो आज से ज्वाइन करूंगा, ज्वाइनिंग दो क्या दिक्कत है, जैसे आप आ जाओ सर मैं तो आ रहा हूँ, आ जाओ आप सब लोगों से मिलो, बात करो, बात करते भी होंगे आते, तभी तो पैसा देते हो आप मेरे को। तो बहुत सारे स्टूडेंट में क्या होता है भाई, हमारा बैच फलानी तारीख को है, वो बैच का पता क्या स्कैम है कि जो उनसे पहले वाले स्टूडेंट है उनसे आप मिल ही नहीं पाए, उनसे बात ही नहीं कर पाए कि भैया आप सीखे कि नहीं सीखे। और जो कोर्स में भेजा जाता है आपको, बड़ी बड़ी बातें, वो कोर्स में आपने सीखी है कि नहीं सीखी, अब आप पूछोगे किससे? जो पुराना बैच था वो तो पास आउट हो गया भाई। आप जब जाओगे किसी, मैं आपको बोलता भैया मेरा बैच अगले महीने में 1 अक्टूबर से चालू है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा, अभी जो मेरे जो ट्रेनिंग चल रहा है वो 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर तक खत्म करनी है मेरे को एनी कंडीशन, और सब लोग भगाने हैं मेरे को। तो नया बच्चा है, अरे वाह 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 वाह, बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी है, ये खड़ी है, वो खड़ी है, लेकिन आपने फीडबैक तो लिया ही नहीं, फीडबैक लेना था पीछे के स्टूडेंटों से। अब आपको कोई स्टूडेंट वाले तो नंबर भी दे सकते, देखो हमारे स्टूडेंट से बात करें, एक दो से क्या होता है, हजारों स्टूडेंट जाते हैं, हजारों से बात करो, तो एक बहुत बड़ा स्कैम है बैच। बैच वो ही बनाते हैं जो स्टूडेंट 20 है, सिखाने वाला 1 है, वो ही आपको इंजन सिखा रहा है, वो ही आपको डेमो इंजन सिखा रहा है, वो ही आपको वर्किंग बाइक सिखा रहा है, वो ही आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल सिखा रहा है, वो ही आपको बीएसएस सिखा रहा है। कोई भगवान है कोई ऐसा ट्रेनर जिसको इलेक्ट्रिक की भी नॉलेज हो, मैकेनिकल की भी नॉलेज हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी नॉलेज हो, कस्टमर की बाइक की भी नॉलेज हो, ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं। यहाँ पर अभिनेश सर अलग ट्रेनर है, लोकेश सर अलग ट्रेनर है, अथर सर अलग ट्रेनर है, चार चार ट्रेनर बाइक के हैं, फिर साजिद सर आते हैं, 5 ट्रेनर से आप जाते हो, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के हमारे सुनील सर हैं इलेक्ट्रिक। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप ट्रेनिंग ले लिया, आप मेरे को ऐसा तो नहीं मुझे पैसा लेना है, बड़ी बड़ी बातें करनी है आपको,
लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे हमें वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, इसमें देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप कभी इनको रियलिटी में सोचो कि यार हमें बैच पे क्यों बुलाया जाता है, बैच से पहले क्यों नहीं आपको आपको बुलाया जाता, बैच के बाद क्यों नहीं बुलाया जाता। और यकीन मानो ये जो आपने देखा ना R5 खड़ी है, पूरे इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट पास R5 नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है इस चीज की। अब देख लेना कहीं पूरे इंडिया में इसको छान मारो, R15 KTM ये सब खड़ी है क्या। तो आप भी कभी जब लाइफ में जाओगे हर चीज को ट्रांसपेरेंट रखना, वर्कशॉप में हर चीज को ट्रांसपेरेंट, जितनी ट्रांसपेरेंसी रखोगे लोग आएंगे आपको दबाने वाले आएंगे, पीछे खिसकाने वाले आएंगे, आपको डिमोटिवेट करने वाले आएंगे, लेकिन आप डटे रहना। अगर कोई पेड़ उग रहा है ना उस पर झाड़ पड़ी है तो कभी उग नहीं पाएगा बड़ा, पेड़ वही बड़ा होगा जो आंधी झेलता है, बर्फ झेलता है, ओले झेलता है, साला हिल जाता है पूरा, वही बड़ा होकर बर्फ छाया देगा आपको। तो आप यहां से जाओगे बहुत सारे मजाक उड़ाएंगे आप, अरे क्या सीख क्या है 3 महीने में, हम तो 3 महीने सिखा रहे हैं, कुछ जादूगर ऐसे वो 1 महीने में सिखाते हैं। अरे बाइक खोलना नहीं खोलना है सबसे कोई बड़ी बात थोड़ी है कि सुबह बाइक खोल दी शाम को बाइक लगा दी। आपने एक बाइक पे कितना टाइम दिया होगा मोरन, एक बाइक पे जो रियलिटी में बताओ, कोई भी बाइक हो XYZ 7 दिन लगाए, कितने 6-7 दिन, 6-7 दिन लगाए ना आपने। मैं बोलता एक बाइक को सुबह खोलो शाम को लगा दो, वो नट बोल्ट खोलने के लिए तो एक बंदा कोई 10वीं क्लास का लाऊंगा मैं, साले को 5 दिन ट्रेनिंग दूंगा 10वीं वाले को, 5वीं क्लास से बंदा जो लाऊंगा भाई नट बोल्ट ऐसे खुलेगा, ऐसे खोलना ऐसे लगाना है। अरे आप इसमें भेज में क्या आया, 7 दिन एक बाइक पर रहोगे 8 दिन रहोगे तभी तो करोगे जी। तो खाना खाइए, ऑल द बेस्ट आपके लिए, थैंक यू जो आपने विश्वास किया आए हम पे, आगे भी आपसे लॉन्ग रिलेशन रहेगा। कभी मैं आपके छत्तीसगढ़ में आया उदयपुर में आया तो मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं एक फोन करूंगा चाय पीने आप मुझे घर पे बुलाओगे, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। चलो थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर, मिलेंगे नई राह पे नई मोड़ों में। और साजिद सर को भी थैंक यू जो आपने स्लाइड बनाया जिससे आप आगे लाइफ में कुछ बढ़ पाओ, और थैंक यू सो मच आपके लिए भी। और वीडियो को देखते रहो, टाइम बर्बाद करते रहो, मैं तो भाषणबाजी कर रहा हूँ, फ्रॉडबाजी कर रहा हूँ, मेरे चक्कर में बताना, मैं तो पागल बनाता हूँ।